Hello and once again welcome to my YouTube channel. In this video I will tell you about University of Turin. So first of all there is a difference between University of Turin and Politecnico di Torino. ये दोनों अलग अलग universities हैं, आपने इनके दरमियान कभी confused नहीं होना है. सो बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन में अवेलेबल इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स की. तो उसमें बैचलर्स में सिर्फ दो प्रोग्राम है, एक बिजनेस के लिए है और दूसरा ग्लोबल लॉ एंड ट्रांजिशनल लैंग्वेज वगैरह का है, ट्रांजिशनल एंड लीगल स्टडीज़ वगैरह का. तो इसके अलावा यहाँ पर टेक्निकल या इंजीनियरिंग कोर्सेज वगैरह अवेलेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू द पॉलीटेक्निको दी तोरिनो जहाँ पर इंजीनियरिंग के कोर्सेज अवेलेबल. मास्टर्स की बात करें तो यहाँ पर 9 मास्टर इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो कि इन डिपार्टमेंट्स में हैं मोस्टली. और बाकी यहाँ पर एक सिंगल साइकिल कोर्स भी अवेलेबल है जो कि मेडिसिन फील्ड के रिलेटेड है. एडमिशन यहाँ पर ओपन है और आप अप्रैल की 28 डेट तक इस साल अप्लाई कर सकते हैं और विद इन 2 मंथ वो आपको प्री एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह भेज देंगे. एज़ यूजुअल जैसा कि दूसरी इटालियन यूनिवर्सिटीज़ में होता है, इस यूनिवर्सिटी में भी आपकी जो फ़ीस है वो आपके इकोनॉमिक सिचुएशन पे डिपेंड करती है और जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उससे डिपेंड करती है. यहाँ पर फ़ीस जो है वो 700 यूरो से स्टार्ट होती है पर एनम और तकरीबन 8000 यूरो तक चलती है और वो डिपेंड करती है स्टूडेंट के इकोनॉमिक वे से. इसके अलावा अगर आपकी स्कॉलरशिप है तो जस्ट लाइक दैट आपको सिर्फ टैक्सेस पे करना रहते हैं. जो यहाँ पर रीजनल स्कॉलरशिप है वो EDSIU स्कॉलरशिप है, नीड बेस्ड है और मेरिट बेस्ड दोनों टाइप की यहाँ पर. इसके अलावा यूनिवर्सिटी के अंदर भी आपको स्कॉलरशिप की फैसिलिटी मौजूद है लेकिन वो सिर्फ मेरिट बेस्ड होगी. यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन का स्पेसिफिकली कोई अलग से और कैंपस नहीं है, इसके सिर्फ एक ही मेन कैंपस है जो कि ट्यूरिन सिटी के अंदर है. बात करें ट्यूरिन सिटी में तो ट्यूरिन सिटी यहाँ की मॉडर्न सिटीज़ में से एक है, उसको तोरिनो भी बोलते हैं इटालियन में. तो वो फ्रांस के साथ जो इनका बॉर्डर लगता है इटली का वो उस साइड पर मौजूद है. सो वहाँ पर इंग्लिश जो है वो एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ ज़रा ज़्यादा यूज़ हो जाती है. इसके अलावा उस सिटी को सिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी कहते हैं. यूनिवर्सिटी का जो लिंक है जो कि प्रिसाइजली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए रिलेटेड है जो कि इंग्लिश में है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. हर कोर्स की एडमिशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसलिए अगर किसी कोर्स के लिए एडमिशन टेस्ट है और किसी कोर्सेज के लिए एडमिशन टेस्ट नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अपने कोर्स की डिटेल ओपन करके उसके एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट है वो वहाँ से देख सकते हैं, इसलिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. नॉर्मली सैट टेस्ट जो है वो यूज़ हो जाता है. इसके अलावा इंग्लिश टोल्स जो कि सीसा की तरफ से हैंड होता है वो भी इस यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेबल है. सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय.